दोस्तों कल मैं गया था राइड पे और मेरा टायर हो गया है पंचर, लेकिन क्योंकि मैंने डलवा रखा है इसमें सोल्यूशन, तो इस चक्कर में मेरा पंचर जब होता है तो उस समय हवा नहीं निकलती, लेकिन जैसी बाइक खड़ी हो जाती है उसके बाद हवा निकलने स्टार्ट होती है और पूरी निकल जाती है। ये देखो, तो मैं बताऊंगा आपको मैं कौन सा सोल्यूशन डलवाता हूँ ये, क्योंकि मेरा ट्यूब टायर है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्यूब टायर में ये सोल्यूशन इतना कारगर नहीं है, बट मुझे ये कारगर लगता है क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने डलवाया है और मुझे फ़ायदा हुआ है। नई ट्यूब ली है भाइयों, ये देखो ये है, सौ नब्बे की है, ये भी 190 पहले यही तो लगी हुई है। हाँ पहले भी यही लगी है, बट इसमें क्या लिखा है, 18। अच्छा 18 लिखा है इसमें, और ये 17 का टायर है। आपको 17 की कंपनी वाले गलत डाल देते क्या, 17 और ट्यूब डली है 18 की। वाह, ये तो है रॉयल इनफील्ड वालों के काम, मजे में बना देते हैं, डुप्लीकेट भी डाल देते हैं मजे में टायर, मतलब मजे मजे में बाइक बना दी। मर्सिडीज के लगा लो, ओरिजिनल टायर डालते हैं और बाद में उठा के चाइना के चेंज कर देते हैं शोरूम के अंदर, ये कंडीशन। तभी तो चाइना चल रहा है इतना। अरे भाई कहाँ से दे दूँ, भैया नई ट्यूब लेनी पड़ी, बताओ। तो अगर ये बड़ी हो जाती है तो दिक्कत होती है, फिर 17-18 की कोई दिक्कत होती है, चल लो ये जब तक चल जाएगी घिस जाती है। कहीं ज्यादा से फूलेंगे, अच्छा तो बड़ी हो जाने से कुछ फर्क पड़ता है, ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा बढ़ जाता है प्रेशर, बढ़ जाओगे ना फिर टायर पे। आ जाओ भैया, ये देखो यार, ये रॉयल इनफील्ड हिमालयन वाले 18-17 के टायर में 18 के ट्यूब डालते हो, BS3 मॉडल है। ऐसे ही धोखाधड़ी चल रही है भैया, बाइक तो बना रहे हैं अच्छी, माल डाल रहे गंदा, क्या कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ की सेटिंग देखनी है भाई, आखिर नाम होगा, मेरा नाम बता दू आखिर। ये क्या है, अच्छा ये तो वो हो गया पिछला अभी का, अरे अभी क्या काट लो, बाकी पिछला 500 जमा कर लो, आधा दिन गांव छुट्टी भी काट के आया हूँ, कल मरवा दिए। हो जाएगा,
सो दोस्तों मैंने लगवा लिया है पंचर, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे पता चला कि टायर मेरा 17 इंच और मेरी ट्यूब डली है 18 की। तो या तो ये बाय डिफॉल्ट कंपनी से आया है लग के, या फिर सर्विस सेंटर में चेंज हुआ है, क्योंकि मेरी बाइक अभी तक 3 से 4 बार पंचर हुई है और 3 से 4 बार ही मैंने अपने सामने ही पंचर ठीक करवाया है। दोनों में से एक तो पक्का हो गई, कहीं ना कहीं चेंज हुआ है ये, बट फिर भी अब डिसअपॉइंटमेंट तो है, धोखाधड़ी तो हो ही रही है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, और हिमालयन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो सब ने फेस करी है, बाकी बहुतों की बाइक में प्रॉब्लम नहीं आई है तो ठीक है। और तो मेरा टायर जो था पंचर था पीछे का, और पीछे के टायर जब पंचर होता है तो सारा बाइक का वेट उस टायर में आ जाता है, तो उसको खींचना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है उसको खींच खींच के, तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी। हालांकि मैं सिर्फ पेट्रोल पंप तक गया था, यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर होगा, बट ये है कि मैंने पंचर सॉल्यूशन डलवा रखा है तो उसमें क्या रहता है कि एक बार हवा भरवाई और गाड़ी चलती रहनी चाहिए, तो हवा नहीं निकलती, और हवा निकलती भी है तो बहुत धीरे धीरे निकलती है, तो इससे क्या रहता है टाइम मिल जाता है पंचर ठीक कराने तक का। तो मैंने हवा भरवाई और अपना आराम से गया, लेकिन अगर बाइक खड़ी हो गई तो सारी हवा निकल जाएगी, इसीलिए बाइक चलाती रहना चाहिए। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन सा सॉल्यूशन डलाता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सबको, बी सेफ।